ठेठ हरियाणा कसूत हरियाणा द खबर हरियाणा देखने वाले ने सारे जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की यात्रा पवन गिल की राम राम जुगाड़ चुनाव यात्रा चल रही था नैलनाबाद में बेरा है और मामना भाई एक नई सोच के नए उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार प्रीति सिंह पाए हैं। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। ठीक ठाक हो? बढ़िया जी। सबसे पहले तो आपका ठेठ हरियाणा जो न्यूज है जो आप बढ़िया एक न्यूज निकालते हो जो मतलब जो उठाने वाला है जो पत्रकार आश्रित धर्म है ना वो काम कर रहे हो, मेरे को इसमें बहुत खुशी है आपके चैनल से। आप इन दूर से आए कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है आपका, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक तो बात जी, आप वाले जो चुनावी मुद्दे हैं आपके जो भी उन पर पाछा दा बात करेंगे। पहला बात करा अभय सिंह चौटाला, किसान का नाम लेकर चुनाव लड़ने लग रहा लग रहा है, कहना भाई मैंने तो किसाना का मसीहा हूँ, आपे मनावे हैं खुद की पंचायत क्रिएट करा है, इन्हें लोअर करांगी फिर नाम दरवावे हैं, तो उन्हें के बारे में थोड़ा। अभय सिंह चौटाला ने ये जी एनलाबाद का इसने ये सारा खेल बिगड़ा है। अभय सिंह ने जो इस्तीफा दिया था ना किसानों के साथ में उस वास्ते खुश था और अभय सिंह के साथ रहे सारी उम्र ताऊ के नाम से वोट मारे इनको, इनसे कुछ कुछ नहीं लिया हमने। अभय सिंह ने कहा था भी जब तक कृषि कानून वापस नहीं मैं विधानसभा में नहीं जाऊँगा, और अभय सिंह ने को कोर्ट में केस लगाना था रिटे जी में, जब तक मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, जब तक किसी कानून वापस नहीं होने चाहिए थे। हम सारे किसान उसके साथ होते, मैं किसानों के बीच में बैठे आया हूँ, किसान नेता हूँ, किसानों को 24 सरसों का भाव का सारे मसले मैंने उठाए ए टू जेड, जन लोकपाल का ओवर ऐसे शाम सारे जी। तो अभय सिंह ने वो बात कह गए दोबारा, अभय सिंह ने वाना तो कोर्ट में रिट लगाई और ना अभय सिंह कहता कोर्ट में जाके जी मेरी कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, जनता का पैसा खराब होगा, टैक्स का पैसा खराब होगा, मिले तो मैं बैठा ही हूँ पहले, और ये इसे मानते नहीं, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन जब तक पंचवर्षीय योजना है जब तक इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, किसी कारण पहले रद्द होते तो हो जाए, कोर्ट में केस डालता। ये अभय सिंह का खेल बिगाड़ा हुआ है, ये कुछ नहीं है, पहले अपना नाम किसानों बढ़ने के लिए, नाम चमकाने के लिए ये गलत किया है, पार्टी खड़ी करने के लिए एक चौटाला साहब के नाम से घूम रहे हैं, ताऊ के नाम से घूम रहे हैं, कुछ नहीं है इनके पल्ले, सीधी सी बात है। मैं इसी बात के जीत पर 6 तारीख ने खड़ा हूँ, हम इनके साथ तय दिल से सारी उम्र इनके साथ रहे, बाढ़ भर इनसे काम नहीं लिया, मेरी इनसे सीधी बात होती, सीधे इनको वोट भी दिए, नोट भी दिए, चंदा भी दिया, रैली में गया, पर इनकी कोई जमीर नहीं है, सीधी सी बात है, इसलिए मैं खड़ा आया हूँ। अभय सिंह की वजह से कांडा की जो सिक्योरिटी चल रही है 125 करोड़ रुपये सरकार लगा रही है, अनऑथराइज सारा, ये सारी इसकी मेहरबानी है। अब ये लगाता है इसमें ये इलेक्शन कराने वाली चीज़ नहीं था, मैं एमएलए बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं किसान हूँ, आज़ाद उम्मीदवार हूँ, किसान मेरे साथ हैं, मोर्चे के लोग भी मेरे पास धनकर साहब से बात होगी मेरी वो आने लग रहे हैं, सारी मेरी सपोर्ट होगी, सारे मेरे साथ हैं, और मैं अभय सिंह से जीतूँगा 11,000 वोटों से, आज के दिन जीत रहा हूँ, बाकी मेरी और लीड हो जाएगी 2-4 दिन के अंदर, मैं इनको तीनों को चौचन चिटा दूंगा। ये अभय सिंह का सारा खेल है, गलत किया इसने अभय सिंह ने, अभय सिंह ये करता काम जो मैंने कहा कोर्ट वाला रिट लगाता, ये गलत किया अभय सिंह। कल परसों गोपाल कांडा में एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, बोला आप साथ केस चलने लग रहे हैं दिल्ली में और ये कांड करें, कांडा थोड़ा जिक्र पूछने लगी तो उसका बहिष्कार होने लग रहा है, अच्छा है वो काम? यो कांडा जी पत्रकार सवाल तो पूछेंगे, आपका धर्म है, आप कोई किसी को गाड़ निकालते हो, आज मैं कोई गलत काम करूँ तो आप मेरी सवाल पूछोगे उसका, उसका सवाल जवाब देना मेरा धर्म बढ़ता है। अगर मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो मैं कोई किसान नहीं हूँ, ना मैं कोई नेता हूँ, ना कुछ हूँ, गलत काम किए इसने, अरबों खरबों इन पर अब बैंकों का लोन है, बलात्कार इन्होंने किया है, 302 के इनके मुकदमे, मर्डर इन्होंने किया है, सारा कुछ इनके जो नया ब्लेम होने वो ब्लेम इनके पास है। मैंने उसी बात के लिए कल भी कहा था वहाँ परसों कागजाना के अंदर किसानों बीच खड़े होकर, मैंने SPDC को चैलेंज करके आया था, सर इसको संभाल लो, ये सारा कुछ तंत्र ले गया, इसको रोको या इसे पैसे भराओ, और ये पत्रकार से बर शुक्र गया है, मैं अगर है ना मैं इसको स्पष्ट कहता वहाँ खाल पाड़ दूँ शेर की तरह, मुझे अगर जिस दिन में शेर जब पकड़ता है ना नाड़े तो वो छोड़ता नीचे मर जाए, ये सारा बिल्कुल ये जो कंडे के साथ सिक्योरिटी सारा सिस्टम हो रहा है बिल्कुल सारा गलत हो रहा है, इसकी ना तो कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल बिकाऊ होता है, बिल्कुल भ्रष्ट आदमी है इलेक्शन के भ्रष्ट, ये चमचे मार रहे हैं DC SP सब सारा सिस्टम है, ये बिल्कुल ये कोई अपने कानून की बात करें बिल्कुल इलीगल काम है, इस इलीगल काम को रोकने के लिए अगर कोई आदमी लठ बीमारी नहीं गया तो जायज है, ये बिल्कुल इलीगल काम है। पत्रकार के साथ जो पत्रकार एक वो लेडीज थी लड़की, मेरे को ये पता लगा था तो लड़की के साथ ये उम्मीदवार है, ये देश का भला करेगा, जुआरी स्टेरी सारा मतलब इनका ऐसा काम किया, इन चौटाला होना पड़ा है कांडा, इन्होंने 5 साल में कांडे बीजेपी छोड़ बने कर दी, ये कोई नेता नहीं है, ना ये कोई जमीर वाला जो बंदा जुड़ा है, इसका भाई सिरसा का मेले है, सिरसा में शिवर सड़ते हैं, गलियों पैसे खा जाते हैं, बड़ा ठेका दे गए शिवर बिजली पानी सिरसा के अंदर जी, मैं खुलाता हूँ गोवों की मैं सेवा कराता हूँ, ये कुछ नहीं ड्रामाबाजी कर गया है, खगपति था करोड़पति बन गया, इनके बाप के उल्टे धंधे इनके उल्टे धंधे, कोई एक अच्छा धंधा नहीं है, इसके बारे में जिक्र करने जरूरत नहीं, बुरी तरह से हारेगा, पैसा की तरफ है, जो करप्शन फरार है, जो बिल्कुल कानून के बिल्कुल खिलाफ है,
सुप्रीम कोर्ट की सफेद आ देते हैं, हर कोर्ट की आ देते हैं, बिल्कुल गलत चल रहा है जी, अनुसार चल रहा है। मैं उम्मीदवार हूँ, मैं ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकता। अगर मेरे को कहीं पैसा बांटता दिख गया, कुछ भी चल गया, मेरे कोई हरकत दिखी नहीं, मैंने डीसी एसपी करा सीधा, चाहे कुछ ही मैं मर जाऊँ थे किसानों के लिए। सीधी सी बात है, भगत सिंह मर गया था, ये करप्शन ऐसे थे आज़ाद कराया था। भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, बाबा भीमसाव अम्बेडकर लिखा, जितने हमारे कुर्बानियाँ देखिए देश आज़ाद कराया, कोई इसलिए कोई थोड़ा कराया। ये लोकतंत्र है, ये तो लोकतंत्र की बिल्कुल धज्जियाँ हैं। बीजेपी सरकार लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा रही है। सीएम ऊपर से बयान दे रहा है, हज़ार हज़ार करोड़ वॉलंटियर आप मारो, जेल में जाओगे, अच्छे नेता बन के आओगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, एक बच्चों को ऐसी शिक्षा देना, एक देश के नागरिक देना, ये देश का राजा का धर्म है। ये उल्टे लटकाने वाले हैं किक्कर के ऊपर, उल्टे लटकाने वाले हैं किक्कर के पेड़ के नीचे उल्टा लटका के, आली ले ले इनकी जड़ की बहते काट गए नशा, इसका काम करने वाला है जी, इनका तो नाम लेना गलत है। मैं जी मौके का टाइम थोड़ा थोड़ा है, अगर मेरे धक्के कहीं चढ़ गए ना सिस्टम जी, तो मैं कर दूंगा इनका काम। सीधी सी बात जो बात करा इलाहाबाद आने तक उसमें बैठ के विधानसभा में गोपाल कांडा ने एक बात कही थी, गोविंद कांडा का भाई ने, नुबला इलाहाबाद वासी बेड के सम्मान है, आपने भी सुना होगा, वो आज बेड का जवाब इलाहाबाद देगा। किसान कह रहे हैं जी बेट का, इनको क्या पता क्या चीज़ किसान होता है, इन्होंने किसी खेत में गया है, ये किसानों काली बेट कहते हैं। पूरे हिंदुस्तान, हरियाणा, इलाहाबाद नहीं है, पूरे संसार को किसान पे चलता है, सारी बिजली है, पानी है, फैक्ट्रियां हैं, और है, जीडीपी है, कपड़े जूते, किसान की फसल नहीं होती, फल फ्रूट सब्जी वगैरह जो भी है, किसान की फसल नहीं होती तो पूरा संसार भूखा मर जाएगा, पूरा संस्कार। इसने ऐसे भद्दे भद्दे मैं को क्या क्या कह पता उन्होंने, इन्होंने ये ऐसे शब्द कहने वाले आदमी क्या क्या सुलू किया जाता है, पता है ना आपको क्या सुलू किया जाता है। एक आदमी, आप पत्रकार हो और मैं कहता हूँ आप सही काम कर रहे हो, और मैं तो कहता हूँ घटिया नीच पत्रकार हैं, ये ऐसे गलत काम कर रहे हैं, ये गलत पढ़ रहा है, ये उसकी काम है, ये धर्म है। आप देश के चौथे स्तंभ, चार पिलर हैं देश के, मीडिया, प्रजातंत्र, सरकारी एजेंसियां, सारी जांच एजेंसियां, और प्लस कोर्ट। कोर्ट को तो नरेंद्र मोदी जो तो मरवा रहा है, मीडिया जो बड़े बड़े चैनल हैं, कंगना, संगना, चोरसे वगैरह, वो सारे बिकाऊ हैं, इतनी इतर से बेच रहे हैं, बाहर से इतना इतना दो नंबर का इतना आ रहा है, और इनको छापा मारा वैसे, ये तीन के हाल हैं, उनको ऐसे कर दिया, वो मीडिया बिकाऊ हैं। आप सोशल मीडिया जो देश की आवाज़ उठाने वाले, और आप सड़क पर हमारे जैसे रोक के और ऐसे सवाल कर रहे हो, जनता को आवाज़ उठा रहे हो, ना कोई अखबार, ना कोई लेना है, आप यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हो काम है, और आपके ये गड़बड़ रहे हैं, ये लोकतंत्र थोड़ा ही है। ये लोकतंत्र कहते हैं आप तो एक ऐसे इंसान हो कि आपको तो कहीं खड़ा हो, कोई कुछ भी गोली चले वहाँ आप सीधे जाओ, कहीं कोई नेता मंत्री कुछ भी जाए, आपका फर्ज बनता है सीधा जाने का, ये कानून का अधिकार है, सबसे सवाल बनने का अधिकार है। आज मैं बैठा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मेरे को जनता कल जिता देगी, मैं जीतूंगा, मैं कल गलत काम करूँ मेरे को जवाब देना पड़ेगा, आप सवाल नहीं पूछोगे, आप सही सवाल पूछोगे भी, आपने जनता से वोट मांगे, जनता ने आपको वोट दिए, और आप ये गलत काम कर रहे हो, आप पर ये आरोप है, आप ये चीज़ आप मेरे से पूछोगे नहीं, मैं आपकी गलत पढ़ूंगा। मैं एक लोकतंत्र की हत्या कर रहा हूँ, मैं एक अपने हिंदुस्तान की जो चार पिल्ले हैं जैसे कमरा होता है वो उसको मैं काट रहा हूँ, मेरे से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। ये सर ये बात करा इलाहाबाद की जनता अपना वोट क्या था देगा, थोड़ा हनु और इलाहाबाद की जनता जी मेरे को इसलिए वोट देती है, मैं किसानों के साथ रहा हूँ हमेशा, हर धरना परिषद में सरसों वाला, बावड़ा मैंने धरना बताया, सरसा के अंदर सरसों वाला, बिजली वाला, और वाला सारा जी मैंने किए, और मैं हमेशा किसानों के साथ रहा हूँ। 6 तारीख को मैं बिल्कुल वहाँ वो ज्ञापन देके डीसी ऑफिस में नरमे का धान का, और किसानों बीच में मैंने कहा ये चोरी चोर इकट्ठे हो गए तीनों भाई, कोई बोलने वाला नहीं है, मेरे लग जाएंगे 2-3 लाख रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जरूर जनता में आवाज़ उठाऊंगा, मैं जीतूँ ना जीतूँ, मैं एमएलए बनने के शौक में नहीं आया, मैंने जनता में ये वजह भी किसानों के साथ ही अत्याचार हो रहा है, इतने मर्डर केस, बलात्कार, इतने किसान मार दिए, 900,000 किसान मार दिए, ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, और मंत्री का ये कोई हाल है, ये लोकतंत्र है। भगत सिंह ने ऐसे आजाद कराया देश, ये लोकतंत्र है। मैं अगर मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया ना, इनको उल्टा लटकाऊंगा, नरेंद्र मोदी को सबको इनको, और लादेन को कह रहे थे अमेरिका ने, वहाँ करके छोड़ूंगा इनको, इनका ऐसा हाल करूँगा, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, क्या बता दो मेरे को। ये भगत सिंह ने, उधम सिंह ने, राजगुरु सुखदेव ने, अपना महात्मा गांधी ने, इन्होंने ये संदेश ऐसा, इन्होंने कहा अब काले गोरे बाज के काले रह गए, बाबा साहब की भीमराव के अम्बेडकर, ये देखो ये कानून है, बाबा साहब के अम्बेडकर में कानून में कोई कमी नहीं है जी, और इस कानून की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी, ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। सारे इलाहाबाद को मेरे वोट देने वाले, एक सबसे बात बताऊँ, ये मेरा घोषणा पत्र है, सुप्रीम कोर्ट ने सन 2014 में कहा था भी जितनी पार्टियाँ हैं ये घोषणा पत्र वो लागू करो जो काम होने वाला है, झूठे घोषणा पत्र के जनता गुमराह करके और करप्शन फैलाना बहुत गलत बात है। मेरा ये घोषणा पत्र है, इसमें किसान का, मजदूर का, भेड़ बकरी वाले का, बैंक वाले का, खत्ती का, तेली का, लोहार का, नाई का, सुगुन योजना, मकानों का, स्कूल में मास्टर का, A to Z है इस घोषणा पत्र में। ये देखो इसमें कोई कमी हो ना तो मेरे को बता दो,
मेरा सिर और इनका जूते खटरा हो चाहे कोई आओ चाहे आम मारो जनता मारे, ठीक है जी। और सारी इसमें योजना, ये योजना जब हिंदुस्तान आज़ाद होता उस टाइम लागू करनी थी। आज मुख्यमंत्री खट्टर ने हरियाणा की बात करता हूँ कुर्सी बैठ के अकेला इसको लागू कर सकता है, इसमें कोई कैबिनेट बिठाने की जरूरत नहीं है। और ये लागू कर दे हम काले कुत्ते को बना देंगे, सभी किसानों को सबको पता है इसमें भाव का, सबका, मंडी का, गाँव में हॉस्पिटल का, गाँव में ये राशन कार्ड ऑनलाइन सारे चीज सब ए टू जेड है इसमें। इस घोषणा पत्र, इन तीनों पांडे को घोषणा पत्र है इनके पास, देख लो ये मेरा घोषणा पत्र आप ले जाओ और इसको आप लगाओ और इसको पढ़ाओ, सारे पढ़ेंगे। ऐसा घोषणा पत्र है इनके पास, किसी के पास है कोई? और कोई इसमें कमी हो ना, मैं जी सर आपके सामने मचलने के माध्यम से पूरे हरियाणा की, हिंदुस्तान की जनता की, और ये मेरा जो घोषणा पत्र है पूरे हिंदुस्तान के एक एक नागरिक के लिए, न कि एनलाबाद के लिए, न कि एनलाबाद के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए है ये। सभी किसान मजदूर सब वर्ग, आरती बैंक से देते ना हमारे उधारे पैसे से बैंक से पैसे मिलेंगे, 4% पे बैंक से पैसा मिलेंगे, ये सारी इसमें एक नंबर की है, कोई इसमें सुकून नहीं, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी सर मैंने। हाँ इतना टाइम देने खातर।